देखिए दोस्तों, हमारी थाली लग चुकी है और मैं इसको खा के देखती हूँ कि कैसा है। पोहालिया पोहे में बाल आ रहे थे बार बार। काफी खूबसूरत है ना, खूबसूरत। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन जा रही है यहाँ से हमें लॉज की तरफ। तो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वापस से एक और नए ब्लॉग में। और आज हम दोस्तों जा रहे हैं माथेरन, और माथेरन जाने के लिए दोस्तों इस समय हम लोग आए हुए हैं नेरल जंक्शन पे। नेरल जंक्शन जो है दोस्तों, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और करजत के बीच चलने वाली लोकल में। करजत और कल्याण के बीच में पड़ता है नेरल जंक्शन। तो नेरल जंक्शन से माथेरन जाने के लिए दोस्तों दो प्रकार की सुविधाएं हैं। एक तो टॉय ट्रेन है जो कभी कभी बंद भी रहती है, और दूसरा है टैक्सी। तो नेरल जंक्शन के ठीक बाजू में ही माथेरन जाने के लिए टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पर आपको शेयरिंग में 100-100 रुपये में टैक्सी मिल जाती है। और हम लोग फिलहाल इस समय वहीं जा रहे हैं। लतालू क्या होता है? नहीं भैया, बताओ भैया क्या है? सफेद होता है और ऊपर लाल कलर का होता है। ऊपर सफेद रहता है, अंदर लाल। एक काम करो, दोनों ले लो। तो आ चुके हैं दोस्तों टैक्सी स्टैंड पे। ये रहा टैक्सी स्टैंड, बिल्कुल हमारे रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। 50 मीटर होगा बस। तो नेरल जंक्शन के ठीक बाहर दोस्तों हमने टैक्सी स्टैंड पे आके टैक्सी ले ली है। ये एक शेयरिंग टैक्सी है, जहाँ पे आपको पर पर्सन 100 रुपये देने होते हैं, और ये टैक्सी 5 लोगों के लिए होती है। तो लगभग 20 मिनट के समय में हम लोग आ चुके हैं कस्तूरी नाका। टैक्सी ने दोस्तों हमें यहाँ पे उतार दिया है, जो कि है कस्तूरी नाका, और इस दस्तूरी नाका। और इसके आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाती है, और ये पूरा टैक्सियों का स्टैंड है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके आगे ही अमन लॉज है। दो टिकट ना? हाँ, दो टिकट 100 रुपये का, 2 जन 100 रुपये लगाएंगे। तो एंट्री हो चुकी है दोस्तों माथेरन में। माथेरन जहाँ पे आपको कोई भी शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल पक्षियों की चहचहाट। यानी आप नेचर को पसंद करते हैं तो ये जगह बिल्कुल आप लोगों के लिए है। और इसके अंदर आने के लिए हमें 50-50 रुपए की टिकट काटी जाती है, जो कि शायद इस जगह के रखरखाव के लिए उपयोग में ली जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों चलते हुए इतना सुकून, इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही कहें। तो माथेरन दोस्तों जो है दस्तूरी नाके से लेके 4-5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो कि दस्तूरी नाके से कोई 4 किलोमीटर पे है, कोई 5 किलोमीटर पे है, तो इस तरीके से। और जो माथेरन का मेन स्टेशन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। तो वहाँ तक आने के लिए आपको ई रिक्शा वगैरह भी मिल जाता है, और घोड़े की सर्विस है। और अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं अमन लॉज, ये है रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन का। यहाँ से माथेरन 2 किलोमीटर है, जिसके बीच में टॉय ट्रेन हमेशा चलते रहती है। और नेरल में जो है ना, नेरल से मानसून के टाइम में बंद कर दी जाती है, बाकी टाइम में चलते रहती है, तो वहाँ से कम चलती है। और यहाँ से अगर आप टॉय ट्रेन में बैठ के यूज करते हो ना, तो आपको ये फ़ायदा है कि आपका समय बच जाता है। टैक्सी वाले 100 रुपये लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है टैक्सी वालों में कि वो 20 मिनट में आ जाते हैं आपको ले कर यहाँ पर। तो दोस्तों माथेरन के बारे में पूरी जानकारी हमने पिछली वीडियो पे दी थी। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने 1 डे ट्रिप किया हुआ है, और इस बार हम सिर्फ होटल में स्टे करने आए हैं, जो हम पिछली बार नहीं कर पाए थे। पिछले बार का हमने 1 डे ट्रिप किया, तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं।
बस हम चलिए अपने लिए एक अच्छा सा होटल खोजते हैं जो थोड़ा चीप भी हो और अच्छा भी हो कम पैसे में। तो चलते चलते थक गई हूँ दोस्तों, तो यहीं पे आराम कर रही हूँ और देख सकते हैं कि नीचे कितना खाई है। ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई गिरेगा तो बचेगा नहीं। देख सकते हैं, दिखाइए। और ये पत्थर क्यों मतलब जाली में भर के है समझ में नहीं आ रहा। हाथ से ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक सावधानी बरतिएगा कि जो मैं नहीं बरत पाई, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आप लोग खा रहे हैं ना तो मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ पे पक्षी और जानवर बहुत लोग हैं, आपको परेशान करके रख देंगे। तो दोस्तों माथेरन में मेरा आज पहला दिन है और शाम के बज चुके हैं 6, और काफ़ी खोजने के बाद बिल्कुल स्टेशन के पास मुझे ये वाली प्रॉपर्टी मिली जो कि है गोकुल, एक होम स्टे है। ये तकरीबन इनके पास 4 कमरे हैं और ये देख लीजिए कुछ ऐसा है। चलिए ले चलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को इनके इसके अंदर। इस तरीके का है, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। इस तरीके का है बाहर का नज़ारा, आप लोग एक बार देख लीजिए कि बाहर की का कुछ लोकेलिटी इस तरीके का है, बिल्कुल गांव घर की गलियों की तरह। और ये गांव ही है माथेरन का। और ये देखिए, ये हमारा होटल का एंट्रेंस है। यहाँ से ये देखिए एक फर्स्ट रूम है इनके पास, इसके बाद ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है इनका क्या कहते हैं इसको, इनके मैनेजर वगैरह बैठते हैं। और ये है हमारा रूम 4 नंबर वाला। चलिए मैं इसमें ले चलता हूँ आपको, ये देख लीजिए। तो जैसे ही आप दोस्तों रूम के अंदर आओगे, आपको ये देखिए मैंने चाबी लगा रखी है, चाबी लगाने से ही लाइट जलती है, नहीं तो ऑफ हो जाती है। और ये इस तरीके का वार्डरोब है अच्छा सा, यहाँ हम जूते रख देते हैं। चलिए निकाल लिए अपने जूते। और ये दोस्तों जस्ट दरवाजे के बगल में बाथरूम है, पहले बाथरूम देख लीजिए आप लोग, बड़ा सा है काफ़ी। सारी चीज़ें हमें पसंद आई, अच्छी लगी, इस तरीके का है। और ये रहा दोस्तों हमारा बेडरूम, ये देखिए बेडरूम में टीवी लगी हुई है, फैन भी है ऊपर, मैडम हमारी आराम कर रही हैं, और एसी भी है। सारी चीज़ें, बैग वगैरह रख दिया है हमने यहाँ पे। लाइट थोड़ी कम अभी जला रखी है, लाइट जला लेना। और ये कुछ टेबल वगैरह भी है यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो हम ये एक्चुअली सिर्फ रूम है जहाँ हम रुके हैं, इनके पास खाने पीने की सुविधाएं जो है बाहर से लेनी है। कैसा लगा रूम? है कि नहीं, मुझे भी पसंद आया। और काफ़ी थक भी चुके थे तो पहला रूम हमने यही ले लिया है। हमारा प्लान है 2-3 दिन रुकने का, तो 2-3 दिन में अलग अलग ही हम ट्राई करेंगे। तो फिलहाल जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमें काफ़ी पसंद आई, और देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इंजॉय करते हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। देख लीजिए प्रॉपर्टी है, बेड देख लीजिए, बेड भी काफ़ी खूबसूरत है ना, खूबसूरत एकदम लग रहा है किसी में घर जाए। पहली बार आई हो ना किसी होटल में रुकने के लिए, तो हाँ और नहीं। चलो अच्छा है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों रात के 8 बज गए हैं और अब हम निकले हैं कुछ खाने पीने की खोज में, क्योंकि हमारा जो होटल रूम है मतलब वो एक होम स्टे है, तो वहाँ पे हमें तो खाने पीने की सुविधाएँ नहीं है। इस गोकुल स्टे होम स्टे में रुके हैं दोस्तों, उनका ही रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है मार्केट में ही। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे मतलब आज रात खाते हैं, डिनर करते हैं यहाँ पे। ये रहा दोस्तों गोकुल होटल, क्या लें, सासा डोसा, बहुत कुछ है। खाने में चेक करो क्या है, सॉरी ये वाला और ये रोटी, वेज कोल्हापुरी और हाँ, और रोटी तंदूरी रोटी, ठीक है। चलो सादा ही खाना खाने की इच्छा है। हाँ।
बहुत तेज की लगी है भूख और रक्त हमारे सामने रख दिया गया है खाली प्लेट, अभी खाना नहीं मिला है, देखते हैं कभी मिलता है खाना। चलो बताओ तुम, मैं एक्सप्लेन करो। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा यहाँ पे सलाद और ये हमारी सब्जी जो है तंदूरी सब्जी, और यहाँ पे दाल, और ये हमारी तंदूरी रोटी है ना, तो तंदूरी रोटी बोलते हैं, तो यही मिला है और चलते हैं खाने को। देखिए दोस्तों, हमारी थाली लग चुकी है और मैं इसको खा के देखती हूँ कि कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखे इनसे ले लिया है तंदूरी रोटी है और वेज कोल्हापुरी और दाल लिया है। एक्चुअली हमें लगा कि इनकी सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा प्लेटिंग बहुत बड़ी है, इनकी क्वांटिटी अच्छी दिए हैं, तो दो लोगों के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है खाना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इनका वेज कोल्हापुरी ट्राई करते हैं। वेज कोल्हापुरी काफ़ी अच्छा बना है, बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल में। और दाल भी बिल्कुल ताजी फ्रेश है, अच्छा लगा बिल्कुल, खाना बहुत बढ़िया है। कैसा लगा खाना? खाना तो बहुत अच्छा है, और साथ साथ में यहाँ बैठने की जगह जो है बहुत अच्छी है, लोग आराम से भी बैठे हुए हैं और आराम से खाना वाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे बाज़ार में दोस्तों प्योर वेज का तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे जो मिला हमें बहुत ही अच्छा मिला, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा रेस्टोरेंट भी है और खाना भी बहुत अच्छा था, और सारा खाने का बिल 475 हुआ दो लोगों के बीच में। तो ये है बिल। क्या हुआ? मोबाइल नहीं चल रहा है। दोस्तों इतना थक चुके हैं हम, तो दोस्तों थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम रात में मतलब खाना खाने के बाद बस सोने जा रहे हैं, क्योंकि घूमने की बहुत इच्छा थी कि रात को माथेरन घूमेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, हिम्मत नहीं हो पा रही है, हिम्मत ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुबह से चल चल के आ रहे हैं, एक्चुअली पैदल भी आए हैं लंबा, और उसके बाद ट्रैवल करने में थोड़ा थकान तो हो ही जाता है। बिस्तर अच्छा मिला है और आराम से सोएंगे हम लोग, देखिए धस गए इसके अंदर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए सुबह हो गई है और हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, क्योंकि कल दोस्तों हम थोड़ा लेट आए थे माथेरन में, शाम हो गई थी, बहुत थके हुए थे, तो हमने ये रूम ले लिया, उसके बाद हम थके हुए थे, खाना वगैरह खाए और फिर सो ही गए और सीधे उठे सुबह। हाँ, लेकिन रूम अच्छा मिला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी बजट में काफ़ी अच्छा रूम मिल गया है हमें, जो कि सिर्फ कोई सर्विस रूम नहीं है, ये सिर्फ रूम है जहाँ पे आपको सिर्फ खाना पीना वगैरह फूड वगैरह नहीं मिलेगा, खाना वाना हम लोग बाहर खाए थे, तो ये हमारा रूम रहा। और अब दोस्तों लगभग 8 बजने वाले हैं सुबह के, तो चलते हैं बाहर में कुछ चाय नाश्ता करेंगे, और फिर यहाँ से इनके टाइम पे 10 बजे का इनका चेकआउट का टाइम है, तो उस पर चेकआउट कर देंगे। आप कभी भी आइए, इनका चेकआउट टाइम जो होता है वो सुबह का 10 बजे होता है। होटल रूम से जा रहे हैं नाश्ता करने, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं पहले तो, हाँ लेकिन स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे इधर। अच्छा, उधर से ही चलते हैं ना, ये दूसरा रास्ता है क्या? हाँ, इधर से नहीं जाने लायक है, इधर से मुड़ जाएंगे ना, यही है, आ जाएंगे मेन पे। हाँ, मेन यही है ना। हाँ, इधर से भी, हाँ इधर से भी जा सकते हैं, मेन रास्ता तो उधर से है उसका, लेकिन इधर से आते हैं हम लोग तो स्टेशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए स्टेशन है ये माथेरन, ट्रेन भी जा रही है। हाँ, ट्रेन जाने का टाइम हो गया यहाँ से। ये दोस्तों ट्रेन जा रही है यहाँ से हमें लॉज की तरफ, जिसको जाना होगा वो जाएगा, हमें नहीं जाना। सुबह के टाइम में कितना खाली खाली है, तो सुबह सुबह माथेरन स्टेशन के बाहर, जिसको बाजार पेट भी बोला जाता है, वो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह
माथेरन की सड़कों पे घूमना, टॉय ट्रेन को देख के अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा ठंडी भी लग रही है ना। तो दोस्तों आसपास घूम लिए सुबह सुबह, लेकिन कुछ खास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। स्टेशन के पास एक स्टॉल है, वहीं चलते हैं। तो सुबह सुबह दोस्तों स्टेशन के पास ही मिल गया है पोहा चाय, यही करते हैं यहाँ पे, बाकी और आसपास तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों सुबह सुबह बिल्कुल स्टेशन के सामने ही हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में हमने लिया है पोहा। तो दोस्तों स्टेशन के पास जो पोहा लिया था हमने, वो पोहे में बाल वगैरह निकल गया और हमने वो दे दिया, पैसा भी दे दिया। वो जगह बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहीं थी, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह खाने के लिए। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमें उनका, जो वहाँ बेच रहे हैं उन्होंने थोड़ा भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा था। कुछ दूर पे देखिए दोस्तों हमें मिला है सेलार उपहार गृह, तो अब यहाँ चलते हैं। यहाँ तो देख के अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा उससे बेटर लग रहा है। अच्छा किए कि कितने के लिए। इडली लगभग खुशी है, चटनी भी ठीक है। ठीक अच्छी। दोस्तों सुबह सुबह का हमारा अनुभव बहुत बेकार रहा चाय नाश्ते के लिए जो हम गए थे। पहली शॉप जो थी वो स्टेशन के पास में एक आंटी ने लगाया था, वहाँ पे हमने पोहा लिया। पोहे में बाल आ रहे थे बार बार, तो नहीं वो बेकार हो गया, वो खाए पिए नहीं हमने। उनको दे दिए पैसे, 80 रुपीज़ ले उधर चले गए। फिर दूसरे में सेलार नाश्ते में गए थे, तो उनका तो साफ़ सुथरा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इडली एकदम ताज़ा ताज़ा था, चाय भी अच्छी थी, लेकिन उनका सांभर और चटनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मूड ऑफ हो गया बिल्कुल भी। पैसा दे के भी नहीं मिल रहा, कुछ हो गया मेरे भारी वजन। तो दोस्तों हम अब चेकआउट कर रहे हैं, अब जा रहे हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी में। यहाँ तक जो गोकुल प्रॉपर्टी में हम थे, इनके रूम में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, रहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनका रूम भी बहुत ही अच्छा था, सब कुछ हमें पसंद आया। बेडरूम भी बहुत अच्छा था, हाँ सारा कुछ, व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा था। इनका खुद का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने खाना खाया, वो भी बहुत अच्छा था। चलिए अब मिलते हैं किसी नई प्रॉपर्टी पे नए ब्लॉग में। बाय 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 दोस्तों।